हे स्टूडेंट्स, बच्चों, कल हमने आ ड्रीम जो तबस्सुम खान जो बहुत अच्छी पोएट्रेस हैं उनके द्वारा लिखी गई पोएम के एक्सरसाइज वन एंड वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग एक्सट्रैक्ट्स डिस्कस करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज टू। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 47 ओपन करेंगे। पेज नंबर 47 आपकी इंग्लिश की बुक में पहला एक्सट्रैक्ट है बच्चों। ओपन अवर हार्ट्स लाइक अ न्यू फ्लावर, लेट द हेट्रेड इन आर हार्ट्स फ्लो अवे लाइक अ स्ट्रीम। तो बच्चों मेक श्योर कि आपको सारी लाइंस का मीनिंग क्लियर है, इसके बाद हम एक्सट्रैक्ट्स सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एनालॉगी द पोएट इज यूजिंग हियर, इज इट एप्रोप्रिएट। बच्चों एनालॉगी का मीन्स होता है किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करके समझाना, ठीक है बच्चों, तो उसको हम एनालॉगी कहते हैं। कंपैरिजन आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने कौन सी एनालॉगी यूज़ की है, पार्ट वन का आंसर देखेंगे। द पोएट इज़ यूजिंग द कंपैरिजन बिटवीन हार्ट एंड न्यू फ्लावर। उन्होंने किसके किसके बीच में, हार्ट और न्यू फ्लावर के बीच में कंपैरिजन दिखाया है। इट इज़ एप्रोप्रिएट, वो पूछ रहा है कि ये एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। इट इज़ एप्रोप्रिएट बिकॉज जस्ट द साइट ऑफ न्यू फ्लावर फिल्स आर हार्ट विद ग्लैडनेस एंड प्रॉमिस ऑफ अ न्यू बिगनिंग। ओपनिंग अवर हार्ट्स विल फिल अवर लाइफ विद ऑप्टिमिज्म। सारी बच्चों फ्लावर को देख के सारी अच्छी अच्छी फीलिंग्स हमें आती हैं, उसी को यहाँ पे आंसर में फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज न्यू फ्लावर सिंबलाइज। न्यू फ्लावर का क्या मतलब है, न्यू फ्लावर का मतलब है फ्रेशनेस एंड एक न्यू बिगनिंग। न्यू फ्लावर सिंबलाइजेस फ्रेशनेस एंड बिगनिंग। थर्ड है, डू यू थिंक दिस ड्रीम इज पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड, गिव रीजन। आपको क्या लगता है ये जो ड्रीम वो देख रही है पोएट्रेस, ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है कि नहीं है, आपको रीज़न देने हैं। तो बच्चों आपको अगर लगता है कि पॉसिबल है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये पॉसिबल है। मेरा प्रेफर्ड आंसर है, द ड्रीम इज़ नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल विद वेरिड इंटरेस्ट। तो वो ये जो भी ये सपने देख रही हैं उनको पूरा कभी नहीं होने देंगे। बच्चों सेकेंड एक्सट्रैक्ट देखेंगे, पेज नंबर 47 पे ही सेकेंड एक्सट्रैक्ट है। वी शैल स्टे सो ऑलवेज, हमें हमेशा ही ऐसे रहना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे वी किसको बोला जा रहा है, हु डज वी रेफर्स टू, तो वी का मतलब है ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वी रेफर्स टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड है बच्चों, इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज वी रेफर्स टू, ये हमने ऊपर ही कर लिया। आगे है, What does stay so refer to? Why is it important? Stay so मतलब ऐसे ही रहना, stay so refers to unity of the people. Stay so से हमें क्या पता चल रहा है, हम सबको ऐसे ही रहना है, मतलब ये हमारी यूनिटी को डिफाइन कर रहा है। It refers to unity of the people. It is important to bring peace and justice. दुनिया में शांति और न्याय के लिए ये important है। Next बच्चों, in your opinion What will help the poetess in staying so? आपको क्या लगता है जैसा वो चाह रही हैं ऐसे रखने में कौन हेल्प करेगा, सारे दुनिया के लोग। All the people in the world will have to help the poetess in staying so. To stay together we need to have understanding, discipline and unity. क्या क्या चाहिए बच्चों हमें, understanding, discipline and unity. Third extract देखेंगे, एक्सट्रैक्ट नंबर 3, वन डे अ ट्री विल ग्रो हाई एंड स्ट्रॉन्ग इन द गार्डन ऑफ जस्टिस एंड लिव फॉर एवर। तो बच्चों कौन से पेड़ की बात हो रही है, विच ट्री इज बींग रेफर्ड। तो फर्स्ट लाइन तो लिखोगे आप, द पोएटिस इज टॉकिंग ऑफ ट्री ऑफ जस्टिस, वो जस्टिस के गार्डन में एक पेड़ होगा जो जस्टिस के लिए हमेशा टिका रहेगा। तो फर्स्ट लाइन लिखोगे, द पोएटिस इज टॉकिंग ऑफ ट्री ऑफ जस्टिस। The poetess dreams that world will one day become strong as a tree. एक tree की तरह वो strong हो जाएगा। Why does the poetess want the tree to live forever? वो ऐसा क्यों कहती हैं कि ये पेड़ हमेशा रहे? She wants peace to prevail and so wants this tree to
लिव फॉर एवर. वो क्या चाहती हैं बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था कि जो पोएटिस हैं वो वॉरिंग नेशंस जो लड़ रहे होते हैं देश, उनके बीच में शांति स्थापित करती हैं. तो वो हम चाहती हैं कि हमेशा के लिए शांति बरकरार रहे, इसलिए वो कहती हैं कि ये पेड़ हमेशा लगा रहे. वट आइडिया डज दिस एक्सट्रैक्ट गिव यू अबाउट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट? पोएटिस क्या सोचती हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आपको क्या पता चलता है उसके बारे में? द पोएटिस इन द पोएम टॉक्स ऑफ वर्ल्ड पीस. वो दुनिया में शांति स्थापित करने की बात करती हैं, इससे हमें उनके माइंड का स्टेट का पता चलता है. दिस इज़ द वेरी ग्रेट आइडिया इन द माइंड ऑफ पोएटिस. बच्चों यही आपका असाइनमेंट्स है, ये सेकेंड एक्सट्रैक्ट एंड थर्ड एक्सट्रैक्ट. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्सट्रैक्ट, तीनों एक्सट्रैक्ट.